नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। बेगूसराय से बहुत दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां घर में सो रहे 5 लोगों को जलाकर मार देने की कोशिश की गई है। इस हमले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। गढ़ारा थाना अंतर्गत आसिफपुर वार्ड संख्या 11 में यह वारदात हुई है, जहाँ मृतका महिला की पहचान अहमद की 60 वर्षीय पत्नी सलेखा खातून के रूप में की गई है। वहीं घायल की पहचान सलेखा खातून की 45 वर्षीय पुत्री सनीमा खातून, वहीं सनीमा खातून की 17 वर्षीय पुत्री आसमा खातून एवं 15 वर्षीय पुत्री यास्मीन सहित 8 वर्षीय पुत्र मोहम्मद फारूक के रूप में की गई है। सूत्रों के अनुसार जिस समय घर में आग लगाई गई, सभी अपने घर में सो रहे थे। वहीं बदमाशों ने उस घर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें सभी लोग जल गए। इस घटना में एक महिला को जिंदा जलने से मौत हो गई है। वहीं घायलों का इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है, जहां चारों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं घायल पीड़िता ने बताया कि पिछले 4 साल से पति के साथ विवाद चल रहा था। वहीं विवाद के बाद पूरे परिवार को लेकर अपने मायके में रहकर गुजर बसर कर रहे थे। वहीं घायल पीड़िता महिला के अनुसार उसके पति के द्वारा फोन पर जान से मार देने की भी धमकी दी गई थी। सोए अवस्था में मेरे पति के द्वारा ही घर में आग लगा दी गई होगी। पति के साथ 4 साल से विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर हम अपने पूरे परिवार को लेकर गढ़हरा मायके में रहकर गुजर बसर कर रहे थे। वहीं पति के द्वारा लगातार भी जान से मार देने की धमकी दी जा रही थी। गढ़हरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भेज दिए। घर के अंदर और कैसे आग लगाने लगा इसका किसी की जानकारी लें। हम लोग को खबर मिला तो हम लोग आए, फिर उसको दरवाजा खोल उल के तोड़ फोड़ के बचाए, फिर डॉक्टर के पास लाए। घायल जो है यहाँ पे है, ये सब भर्ती है। उसमें बच्चा सही है, थोड़ा बहुत जला, बाकी 4 है। पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस। घटना कैसे हो इसका जानकारी कहाँ से मिली? सुबह तड़के लगभग 4:30 बजे 5 पेशेंट जो है जला हुआ, बिल्कुल। एक पेशेंट तो लगभग 100% जला हुआ, बाकी कोई 50%, कोई 70%, एक बच्चा भी है उसमें जो लगभग 25% जला हुआ। ये लोग बोलते हैं कि घर का दरवाज़ा जला हुआ था और बाकी जो है इनका कपड़ा जला हुआ। ये लोग ये नहीं बताते हैं कि किस चीज़ से हुआ, लेकिन बोलते हैं कि ये लगता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और प्रतीत भी होता है कि इलेक्ट्रिक बर्न जैसा ही प्रतीत होता है। तो उसमें एक महिला जो थी, ओल्ड एज महिला, लगभग 60 साल की थी, उनका देहांत भी हो गया है सुबह में 1-2 घंटे के बाद। और आगे तो जांच का विषय होगा कि किस चीज़ से ये आग लगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ।